हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बोनस शेयर से रिलेटेड अपडेट है यहाँ पे। मतलब एक कंपनी है जो कि पांचवी बार बोनस अनाउंस करने वाली है। चलिए भाई, पांचवी बार बोनस, इससे पहले कब कब बोनस दे दिया और अब बोनस कब अनाउंस करने वाली है, क्या उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है शेयर के प्राइस पे, वो सारी चीज़ों पर बात करते हैं। छोटा सा शेयर है, इसके टेक्निकल फंडामेंटल सारे एस्पेक्ट पे बात करते हैं छोटे से वीडियो में। छोटा सा शेयर जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 700 करोड़ के आसपास का, करंट प्राइस 872 के आसपास का, डिविडेंड भी देता है, बढ़िया डिविडेंड देता है नो डाउट, पी रेशियो 17 के आसपास का, डेट कंपनी के ऊपर 13 करोड़ का है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम लगा मुझे, और अर्निंग पर शेयर 50 रुपीज़ के आसपास का है, इंट्रिंजिक वैल्यू जबरदस्त 3300 के आसपास दिखा रहा है यहाँ पे, ये स्क्रीनर डॉट इन जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, प्रमोटर होल्डिंग 30% के आसपास है। चलिए स्टॉक के बारे में आपने देखा, नाम जानिए पहले, फिर आगे बात करते हैं। इंडिया मोटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं इसका रिजल्ट देखूं, क्योंकि बोनस एंड ऑल मुझे लगता है कि एक अट्रैक्ट करने का जरिया होता है इन्वेस्टर्स को, बोनस की बात होगी, डिविडेंड तो फिर भी सही है, बोनस क्योंकि यहाँ पे प्राइस एडजस्ट हो जाता है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे तो आपको ये प्रॉफिट एंड ऑल, चाहे छोटा शेयर हो चाहे बड़ा शेयर हो, उसकी बारीकी जरूर जाननी चाहिए, कहीं बोनस के चक्कर में आप अट्रैक्ट हो जाए। और बोनस से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियोज़ के, उनको देखिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्राइस कैसे एडजस्ट हो जाता है बोनस मिलने के बाद। फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पे जो प्रॉफिट था जून क्वार्टर में, थोड़ा प्रॉफिट में कमी जरूर देखने को मिली है। ऑल्दो मार्च क्वार्टर में 14 करोड़ का प्रॉफिट था, जून क्वार्टर में प्रॉफिट में कमी आई थी, और यहाँ पे जो बोनस अनाउंस करने वाला है वो ये देखिए आप, इंडिया मोटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज लिमिटेड यानी कि IMPAL, ये कंपनी सितंबर 10 को इसकी मीटिंग है, वहाँ पे बोनस कंसिडर करने वाली है बोनस शेयर्स। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सितंबर 10, आज की डेट 6 सितंबर है तो बहुत पास है सितंबर 10, लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका जो बोनस की खबरें जब से आई हैं, ये शेयर ऑलरेडी ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 100 रुपया उछल चुका है, देखिए बोनस की खबरों खबरों से ही। अब आप देखें इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो एक टाइम पे शेयर ने 1450 के लेवल का हाई बनाया था, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, फरवरी 2018 की बात है, जब से मिड कैप और स्मॉल कैप का करेक्शन आया शेयर अपने वापस बेस लेवल पे आ गया, तो अभी के टाइम पे ये मान के चलिए कि अपने बेस पे कंसोलिडेट हो रहा है, और इस शेयर ने पहली बार थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे अपनी 50-डे मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे इसको पार किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पार करना, और कंसोलिडेट होने के बाद ये शेयर अब पहली बार पार कर रहा है और बोनस की खबर है तो शेयर में उछाल देखने को मिल सकता है। आज की डेट में ऑलमोस्ट 26-27 रुपये के आसपास का जंप देखने को मिला बोनस की न्यूज़ के बाद इंडिया मोटर्स के शेयर में। अब हम बात कर रहे थे पांचवी बार बोनस, तो देखिए 1988 में एक बार बोनस दिया था, फिर 93 में बोनस दिया, 2004 में बोनस दिया, 2012 में बोनस दिया, अब बोनस फिर से 2019 में ये बोनस आने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, कितना बोनस होता है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बोनस पिछली बार इसने 3 बार 1:1 का बोनस दिया था, और इस बार भी उम्मीद यही लगा के बैठ सकते हैं हम कि 1:1 का बोनस आ सकता है। तो हमने बात करी इंडिया मोटर्स की, और यहाँ पे डिविडेंड की बात करता हूँ, तो पिछले अभी आपको यकीन नहीं होगा 10 और 8 18 रुपये का इसने डिविडेंड भी दिया है, मई के महीने में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था, और एक जून में, और अभी एक 9 सितंबर को इसकी एक्स डिविडेंड डेट है। आज 6 सितंबर है, 9 सितंबर यानी कि मंडे को इसकी एक्स डिविडेंड डेट यहाँ पे है। चलिए हमने इंडिया मोटर्स की बात करी, आपको कैसा लगा ये शेयर जरूर कमेंट के थ्रू बताएं, और बोनस के रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोज़ के लिंक्स दिए उनको देखोगे तो आपको उनको आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।